So guys, गुड मॉर्निंग। सोचा था सो के मजे करूँगा इसकी माँ का मजे। हमारी हिंदू रीति रिवाजों में एक कहावत तो खैर नहीं है, लेकिन ये गन्ने भूनने की कहावत जरूर है आधी नींद में उठने के बाद। तो गाइस मैं गन्ने भूनने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि गन्ने भूनना एक पारंपरिक श्रद्धा होती है, हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमें पता क्या होती है पता नहीं, मैं आपको बताने। तो गाइस मैं जा रहा हूँ गन्ने भूनने के लिए। गाइस ये मेरे दोस्त लोग हैं, थोड़ी बहुत बकेटी काट रहे हैं हम लोग यहाँ पे खड़े होके। अभी जाएंगे थोड़ा गन्ना भूनने के लिए, अभी आग लगी नहीं है वहाँ पे, आग लगेगी तभी जाएंगे हम लोग वहाँ पर। पंडित जी ने सुबह निकाला 11:30 बजे का होली का, अभी होली दहन होने वाली है कुछ टाइम बाद, अब खाएंगे हम लोग। बस 2 मिनट रुकिए, बस 2 मिनट जाओ भाई, आग लगने वाली है कुछ देर में। तो गाइस मैं घर पर आ गया हूँ, अब आपसे मैं सुबह मिलता हूँ मॉर्निंग में होली के साथ। यार क्या हाल चाल है, चलो मैं आप मम्मी के मैंने पैर छू ली गाइस। इसके भी लगा दे, इसके भैया के लगा दे, भैया के पहले आ गए स्वाद सबसे फोटो चलो फाड़ गए हूँ मैं। ये लोग होली खेलते हैं। कैसी होली? तुम तो कह रही यहाँ नहीं आऊँगी, बहुत गंदी होली खेल रहे हो। ना शुरू करो, थोड़ी देर आऊँ। ना बना लो, कल आ मेरे। ये कलर लगा मम्मी, हैप्पी होली बना। हैप्पी होली, हैप्पी। मैं बनाऊँगी ना। अच्छा तो आप और मिलाएँगे? ये कैसे यार होली? है? हैप्पी होली। तो गाइस जैसा देख रहे हैं मैं होली खेल रहा हूँ मम्मी के साथ। देखो जैसे मेरे दोस्त लोग आए होली खेलने के लिए, बस हो गया मोहब्बत, यही मोहब्बत है मेरी। अरे अब निकल रहा मेरे साथ है सुहारे सुहारे देवी स्वामी जी। अबे अभी हो गया है, अब आगे चलते हो आपको।
गाइस हम चलती हैं नैनीताल घूमने के लिए और हम अपना ब्लॉग बना रहे हैं। मैं राजा हूँ, मैं राजा जी हूँ। और गाइस हम जा रहे हैं नैनीताल घूमने के लिए। नैनीताल के डैम में हम दो डुबकी मराएंगे, डुबकी नैनीताल के डैम में। तो गाइस हैप्पी हॉलिडे। काले मेरे नाम ले रहा हूँ। ज्यादा भी हो रही थी तो गाइस देख रहे हैं, लाइक गाइस मजा आ गया। आगे भाई गंदे थे, बहुत गंदी बदबू आ रही भाई। अरे भाई यहाँ नहर में बोझ पर डाल दिया, क्या नाम है इसका भाई? धोबी घाट जहाँ कपड़े धुलते गंदे गंदे हॉस्पिटल के, इसको डाल दिया। हेलो हाँ धोले और यहाँ भाई हम टंग चुके हैं क्योंकि वहाँ से उसने पूरी सीट घेर ली है भाई, पूरा इलाका मिला है बारे में भाई, हम क्या ही पता है। चलो अल्लाह तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं गोलापार। बोले तो तुम्हारा काउंटडाउन चौराया, इसमें हम लोग नहाएंगे अपना ये गंदगी उंदगी सब पता करेंगे हम लोग आराम से, और हम आपको दिखाएंगे गाइस। चलिए आइए बातें, हम आपको दोस्त लोग हमारे आ रहे हैं। गाइस हम लोग जो नहाए तो है नहीं है, ठीक है नहीं, उन्होंने बदतमीजी कर दी क्योंकि यहाँ पे पानी छाया नहीं नहाने के लिए। अब हम लोग जगह जगह नहाएंगे, हम आए हैं गोलाबाग घूमने के लिए। तो ये रास्ते में जा रहे हैं हम लोग, ये हाईवे पर बनना है गोलाबाग में। गाइस मुझे आगे चुन जा रही है गाइस, मैं घर जा रहा हूँ। जैसे कह रहे हैं आप सुबह मेरे कि तुम्हारे होठ में तो विष भरा हुआ है, नीले नीले होठ हो रखे मेरे। अब इन्हें क्या बताएं कि दोस्तों ने किया है। होली चल रही है, तुम्हारी ना बहन का लौटा हो जाएगा। अरे ये लोग होली खेल रहे हैं, मैं अपने दोस्तों का होली खेलूंगा आराम से। मम्मी लोग होली खेलते थे पापा के साथ आराम से, कोई दिक्कत बात नहीं है। एक अपने दोस्तों आ रहे हैं, वो दोस्त लोग आ रहे हैं। तो गाइस हम लोग आए हैं नहाने के लिए अमृतपुर, और मेरे दोस्त लोग आए हैं, दो दोस्त मेरे बेस्ट फ्रेंड आए हैं। हेलो बोलो रे। हेलो हेलो, ये पीछे है हेलो हेलो बोलने वाला। तो भाई यहाँ पे हम लोग नहाते हैं आराम से, और पानी कम कम पीना भाई, लो एक ही घूट पीना क्योंकि पानी चाहिए होगा रास्ते में भी। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे नहाने वाले हैं। गाइस हमने अभी नहा लिया है, दो तीन डुबकी मार ली मैंने, अच्छा सा फेस वेस हो गया मैंने और मज़ा आ गया बढ़िया तरीके से अच्छा। और अब हम लोग जो घर की ओर जा रहे हैं, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई गाइस हमें ये बार दोस्तों। अब मिलते हैं घर, बाय बाय। यहाँ चाचा मेरे होली खेलने के लिए, अच्छा होली खेलने होली का ये पावन अवसर पे मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और काफी इंजॉयमेंट भी किया है हमने होली के दिन, और घर वालों ने भी इंजॉयमेंट किया है, मैंने भी इंजॉयमेंट किया है। बाहर जाकर खाना बनाकर, खाना खाया नहीं बनाया मैं, खाके आया बस। और मैं नहीं अभी नहीं नहाया है। वैसे मिलता हूँ आप होली के दर्शक में। सो गाइस बाय बाय टाटा, सी यू, टेक केयर। और आज का ब्लॉग खत्म करते हैं हम लोग, आज थकान भी हो गया इस समय आज बहुत ज़्यादा, और नींद भी आ रही है मुझे तो, और मैं सोता हूँ अब
नए ब्लॉग की शुरुआत हम कल करेंगे, तब तक का बाय।